लोग इतने चालाक हो गए हैं कि हम उनकी गर्द को नहीं पहुंच सकते। शक्ल से कितनी मासूम लगती है, ऐसी होती हैं लड़कियां। और एक तुम हो। मम्मा प्लीज रिलैक्स होकर खाना खाइए। तुम क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाओ जाके किचन से मिटो, जाओ। जानती हो अब क्या होगा? क्या होगा दूबा बेगम? इद्दत खत्म होने के बाद सब कुछ लेकर चलती बनेंगी, और क्या पता उससे पहले ही चली जाए। तो मम्मा वो यहाँ रहके भी क्या करेंगी? जाने देना उन्हें। और आपको तो खुश होना चाहिए कि फिर वहां पे सिर्फ मैं होंगी। बहुत बेवकूफ हो तुम। जिया अगर ये गुल खिलाकर ना गए होते तो हम दूबा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकते। अगर अब यही काम वो हमारे साथ भी कर सकती है। अस्मत मिला अली अहमद साहब का नहीं, जिया की मां का। और अब वो जैनी का है। जैनी का क्या मतलब? वो घर आंटी का नहीं है? नहीं, अरे आंटी को तो अली अहमद साहब मजबूरन वहां लेकर गए हैं। परसों तुम्हारी आंटी ने एक छोटे से मकान में गुजारा किया है, वो भी इसलिए कि अजमत ने कह दिया था कि मेरे जीते जी अजरा इस विला में कदम नहीं रखेंगी। वो तो जब वो ही ना रही और अली अहमद साहब को घर और बच्चे की देखभाल का मसला दरपेश हुआ, तब तुम्हारी आंटी को वो वहां पे लेकर गए। आपा बेगम के सीने में यही एक बात आज भी फांस की तरह चुभी रही है। फिर भी तुम आपा बेगम की बड़ाई देखो कि कितनी रवादारी से उन्होंने अपने सौतेलेपन को निभाया है। सदा बेटा, अब तुम्हें बहुत होशियारी से दुबा को अपने हाथों में रखना पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। प्लीज सब बस करें, आए बैठे खाना खाएं। प्लीज तुम इद्दत के बाद लंदन चलो बेटा, वरना मैं बहुत परेशान रहूंगी। नहीं मामा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आप ये बताइए कि फैजान कैसा है, वो क्यों नहीं आया? उसके सेमेस्टर होने वाले थे, वो तो सब कुछ छोड़कर आ रहा था, मगर मैंने समझाया और उसने वादा लिया था कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। मामा नहीं, मामा बेगम बहुत उदास हैं। और पापा जान की हालत देखी है आपने? वो मेरे और जैनी के बगैर नहीं रह सकेंगे। खैर बेटा, तुम खुद को संभालो। अरे तुम ठीक होगी तो सास ससुर की खिदमत कर सकोगी ना? अरे हाँ, समी भाई का बेटा आसिम पाकिस्तान आ रहा है, यही कंस्ट्रक्शन का कोई काम शुरू कर रहा है। उसके यहाँ आ जाने से मुझे बड़ी डारस हो जाएगी, और तुम भी अकेली नहीं रहोगी, वो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेगा। मेरा ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं यहाँ मामा। अच्छा अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ। इजी टेक इट इजी। तुम बहुत कमजोरी की बातें कर रहे हो सही, वो तुम्हारा भाई था, अपनी औलाद को दे गया तो कोई गलत किया क्या? हर शख्स अपनी औलाद के बारे में सोचता है। और अपनी औलाद को लेकर उनकी बेवा लंदन चली जाएंगी या फिर हमें अजमत विला से निकाल देंगी? कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या उसी पुराने मकान में जहाँ आपने बाबा जाने से शादी करने के जुर्म में 6 साल गुजारे थे? देखिए, आप बाजरफ खातून हैं और मुझे मालूम है कि आप रह भी लेंगी, लेकिन मैं बाजरफ नहीं हूं।
मैं आपकी बीवी हूँ, आपके बच्चे की माँ। देखिए हजरा बेगम, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमसे जिद मत कीजिएगा। अजमत अपनी जिंदगी में आपको कभी वहां नहीं आने देंगी। ये तो शुक्र है कि उन्होंने और कोई शर्त नहीं रखी, वरना वरना आप मेरी जिंदगी का फैसला कर देते। हम तो समझे थे कि आपने हमसे मोहब्बत की है। हमने आपसे मोहब्बत की है, हम कब इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप प्लीज आप जिद ना करें, मौका महल होगा तो हम आपको खुद अजमत विला ले चलेंगे। अजमत विला? अजमत विला तूबा और जैनी के दम से आबाद है वकील साहब। हमें तो सिर्फ तूबा की फिक्र खाई जाती है। इस उम्र की बेवकी ना जाने क्या क्या दुख दिखाएगी। अल्लाह बेहतर करेगा सर। हाँ बस वही तो है, सोचते हैं क्यों ना उसे उसकी माँ के पास भेज दें, लेकिन फिर ख्याल ही आता है कि तूबा के साथ जैनी भी चली जाएगी तो हम इतनी वीरानी कैसे बर्दाश्त करेंगे। वकील साहब आप कागजात नहीं लाए? सर वो तो मैंने कल सही साहब को दे दिए थे, उन्होंने आपको नहीं दिए? नहीं हमें तो नहीं दिए। कागजात तो मैं किसी को नहीं दूंगा। उससे क्या होगा? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मामा भाभी के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम उनके खिलाफ क्यों हो गए? इसलिए कि मुझे यकीन है कि भाई को जायदाद जैनी के नाम करने का मशवरा भाभी ने ही दिया होगा। मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम टिपिकल विलन बनने की कोशिश ना करो। देखो दौलत की तो तुम्हारे पास भी कमी नहीं है ना। जानता हूं किसी किस्म की कमी का एहसास नहीं है मुझे। अगर मैंने भाभी को अपने बारे में बात करते ना सुना होता तो शायद मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो ना करता, बल्कि शायद ये हादसा भी ना हुआ होता। कौन सा हादसा? अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। ऐसे ही कोई नहीं क्या बताओ ना, क्या बात कर रहे थे? मेरे कहने का मतलब था कि शुक्र है कि भाभी की मम्मा जा रही हैं और उनका कोई यहाँ दूसरा रिश्तेदार भी नहीं है। बस अब तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां होंगी ना, मैं तुम्हें और तूबा को बुलवा लूंगी। पक्का प्रॉमिस? हाँ पक्का वाला प्रॉमिस। पता है नानी, पापा ने भी वादा किया था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते और जब भी वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, पर ये वाला प्रॉमिस तो। जेनी नानी अम्मा को तैयार होने दो और जाओ, तुम भी जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट जाना है ना सी ऑफ करने। तूबा बेटा इस तरह टालने से गम नहीं टला करते, इससे समझाया करो कि गम कैसे झेला जाता है। मामा वो एक लम्हे के लिए भी नहीं भूलती, हर वक्त उन्हीं की बातें करती रहती है। बाप था उसका, आखिर वो बच्ची है, याद तो करेगी ना। और किसी की बात अगर जहन में अटकी रह जाए ना तो हमेशा पास बन के चुपती रहती है। जी मामा। अच्छा अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। तुम इद्दत पूरी करते ही लंदन आ जाना वरना मेरा दिल घबराता रहेगा। जी मामा। सईद से पूछ लो आ रहा है ना, जैनी तो तैयार हो रही है। उसको पता तो था, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए था अब तक। मैं फोन कर लेती हूँ। हेलो सईद। जी भाभी। तुम आए नहीं, वो मामा को एयरपोर्ट जाना है। भाभी एक्चुअली वो मैं ना बहुत दूर हूँ, मीटिंग में हूँ एक, तो मेरे यहाँ से उठ के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप किसी ड्राइवर के साथ भेज दें भाभी। वो तो ठीक है मगर जैनी भी एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गई है। तो उसे ना भेजे? मगर वो बहुत जिद कर रही है। भाभी उसकी जिदें छुड़वा दें, अब उन्हें कौन पूरा करेगा। खुदा हाफिज़। Thank you.
तू बा? जी मामा। क्या बात है बेटा? वो सईद नहीं आ सकता, वो बिजी है। फिर जैनी किसके साथ वापस आएगी? मामा जैनी एयरपोर्ट नहीं जाएगी। अच्छा चलो तुम्हारे बाबा जाने से होंगे, आ जाओ। घर तो बहुत ही अच्छा है। पता है पापा ने खुद खड़े होके बनवाया था। अच्छा, उन्हें मेरे यहाँ रहने पे कोई इतराज तो नहीं होगा? नहीं, मैं तो बता चुकी हूँ। पता है पापा तो इसे रेंट पे दे रहे थे, लेकिन बात ही नहीं बनी। मैंने बता दिया था कि जब आसिम आएंगे तो यहीं ठहरेंगे। बाबा। जी बेबी। ये आसिम साहब हैं, इनका खूब ख्याल रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए बीबी, हम तो अकेले रह रहकर थक गए थे, अब कोई बातें करने वाला तो होगा ना। पता नहीं, अभी तक अपनी कजन से मिले नहीं, हो सकता है मिलने तो यहाँ ना रहे, वहीं चले जाए। नहीं अरीम, वहाँ रहना तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने ससुराल में रहती है और ना वो लोग मुझे जानते हैं और ना ही मैं तुबा की तबीयत से वाकिफ हूँ। बाबा हम चाय के बाद जरा आउटिंग पे जाएंगे, फिर उसके बाद आसिम मुझे घर छोड़ देंगे। ठीक है बीबी। लंदन से आके दिल लग गया था तुम्हारा? ये तुम पूछ रहे हो? तुम्हारे बगैर कैसे लग सकता था? तो फिर साल भर कैसे गुजार लिया? तुम्हारी यादों के सहारे। ओहो, बहुत बोलने लग गई हो। कैसा लगा मेरा ये डायलॉग? बेटी तो मैंने आपको दे दी, अब आप ही इसके माँ बाप हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जा रही हैं आप हमें, अब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इसे निभाने की तौफीक भी दे। अब तक तो आप ही लोगों ने निभाया है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हमने हमेशा दूसरों की औलाद को अपनी औलाद की तरह पाला है। रिश्ते निभाने आते हैं हमें, हम इद्दत के बाद तुबा को भेज देते, लेकिन जैनी वो खिलौना है जिसके बगैर हम रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुछ दिन के लिए तो। जी जी, आप परेशान ना हो, हम जरूर भेज देंगे। मम्मा आई एम रेडी, मैं जरूर जाऊंगी। नहीं जैनी बेटा, तुम नहीं जा सकते। क्यों मम्मा? तुम्हारे सईद चाचू नहीं आए ना बेटा? दादा अब्बा, आप सईद चाचू को देखिए ना, कितने गंदे हैं। दादा अब्बा मैं भी जाऊंगी। जैनी। क्या बात है तुबा, सईद कहाँ है? बाबा जान वो तो आने के लिए कह रहा था, मगर उसकी एक जरूरी मीटिंग थी इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा तुबा की मामा जा रही हैं तो जाके उनसे मिल ही लो। अली अहमद भाई, आपकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर के पास नहीं गए? जाएंगे, सईद जरा किसी मीटिंग में है, वो आ जाए तो फिर जाएंगे। तुबा आपने उसे बता दिया था ना कि 8 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ? जी बाबा जान। अरे भाई ऐसी जल्दी क्या है, आ जाएगा। वो जरा सदफ को लेकर बाजार गया है ना, शॉपिंग जो करानी थी, वो कह रहा था 8 बजे तक आ जाऊंगा। क्या वो दफ्तर में नहीं? नहीं, वो तो दोपहर से ही हमारे यहाँ आ गया था। चले मामा। अच्छा मैं चलती। नहीं नहीं नानी अम्मा, मैं आपको नहीं जाना, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जेनी, नानी अम्मा जल्दी करते, तुम भी जा सकती। नानी अम्मा मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम नहीं जा सकती, चलो नानी अम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नानी अम्मा तुम भी जा सकती। नानी अम्मा मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम नहीं जा सकती, चलो नानी अम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
चाचू बिल्कुल बदल गए हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते। कैसी बातें करती हो बेटा? मम्मा, जब कल मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया, अब भी वो नहीं आए। बेटा, वो उन्हें कोई काम होगा, और चाचू कैसे बदल सकते हाँ? वो थक गए होंगे। अच्छा अब तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, ठीक है? मैं अभी चेंज करके आती हूँ। जल्दी आएगा। अच्छा आपा बेगम, अली भाई तुबा के कुछ ज्यादा ही लाड करने लगे। आसमा, उनके पास अब लाड प्यार करने को राह ही कौन है? आपको सईद ने बताया है कि जिया सब कुछ जैनी के नाम करके है? हाँ, हमें मालूम है। और आप फिर भी तुबा को लंदन भेजने की बातें कर रही हैं? लेकिन आसमा, इस बात का लंदन जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। अब्बा बेगम, आपको आपकी सादगी ने सारी जिंदगी रुलाया है, और फिर भी आप आसमा, तुम हमेशा हमें माजी की याद क्यों दिलाती रहती हो? इसलिए आपा बेगम कि अगर आपने सारे गम भुला दिए तो खुशियों की पहचान से भी महरूम रह जाएंगी। क्या कहना चाहती हो आपा बेगम? मेरा ख्याल में आपको सईद ने बताया नहीं है कि तूबा ने जिया को मना कर दिया था कि वो सईद को उसका हिस्सा ना दे। कौन सा हिस्सा? वो जो अली अहमद भाई उसे देना चाहते थे। ये बात सच है, बिल्कुल सच आपा बेगम। सईद ने खुद अपने कानों से सुना है, तूबा को कहते हुए वो खुदा की कसम खा रहा था। क्या बात? यही वाली बात। लेकिन आपा बेगम, अगर आप तूबा को फिर भी लंदन भेजना चाहती हैं तो फिर सोच लीजिए क्या होगा। वो जैनी को साथ ले जाएगी और फिर? नहीं, जैनी उसके साथ नहीं जाएगी। इद्दत के बाद भी नहीं? हाँ, इद्दत के बाद जरूर जाएगी, लेकिन जैनी के बगैर।